नमस्कार दोस्तों, मैं सोम शर्मा। हमारा देश एक टॉपर प्रधान देश है। हमारे देश में दामाद से भी ज्यादा इज्जत टॉपर की होती है। स्टूडेंट टॉप करके अपने घर नहीं पहुंच पाता, उससे पहले मीडिया माइक लेकर उसके घर पहुंच जाती है। आज ऐसे ही एक नासा टॉपर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका दावा था कि उसने वो एग्जाम क्लियर किया है जिसमें खुद एपीजे अब्दुल कलाम फेल हो गए थे। इस टॉपर का रुतबा ऐसा था कि पुलिस ने उसे एक गनर दे रखा था। यूपी विधानसभा में उसके लिए अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ने उससे इंप्रेस होकर 5 लाख रुपए इनाम में दिए और 100 से ज्यादा विधायकों ने अपने एक एक दिन की तनख्वाह इस लड़के को दी। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खुद उसे मिलने के लिए दिल्ली इनवाइट किया, पर राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। साथियों, ये कहानी बेहद हैरान है और सनसनीखेज भी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं उस नासा टॉपर की कहानी बताने वाला हूं जिसने पूरे सिस्टम का तमाशा बना के रख दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नरही गाँव से। साल था 2004 और इस गांव में उस वक्त ना तो ठीक से बिजली पहुंची थी ना मोबाइल नेटवर्क था। ऐसे में गांव में एक गरीब घर का लड़का सौरभ सिंह एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं आईआईटी करना चाहता हूं। सौरभ के सेकेंडरी एग्जाम में सिर्फ 56% मार्क्स आए थे, पर बाप गरीबी को अपने बेटे के सपने के आड़े कैसे आने दे सकता था। इसलिए पिता ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम किया और सौरभ को कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। अब माँ बाप को बस उस दिन का इंतजार था जब उनका बेटा आईआईटी क्रैक करे और पूरे गांव में उनका नाम रोशन हो। पर सौरभ सिंह के इरादे तो माँ बाप से भी बड़े थे। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे बलिया जिले का नाम रोशन होने वाला था। कहानी का असली रंग शुरू होता है साल 2005 में, जब जनवरी के महीने में सौरभ कोटा से अपने घर वापस आता है और माँ बाप को यह बताता है कि उसने अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर नासा का एक बेहद खतरनाक एग्जाम टॉप कर लिया है और जल्द ही उसे नासा की नौकरी भी मिल जाएगी। उस वक्त इंटरनेट उतना फैला नहीं था, पर एक साल पहले शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से नासा के बारे में मोटा मोटी गाँव के लोगों को अंदाजा था। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे से जो उम्मीद लगाई थी, बेटे ने उसका कई गुना पूरा किया। धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चल गई और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई कि बलिया के सौरभ सिंह ने नासा टॉप कर दिया है। किसी पत्रकार के कानों में ये खबर पहुंची तो उसने अखबार में छाप दिया। बात इलाके के विधायक तक पहुंची तो बधाई देने वाले भी पहुंचे। फिर उसके पीछे सांसद और दूसरी पार्टी के नेताओं का भी सौरभ के घर पर जमावड़ा लग गया। इधर सौरभ के स्कूल की प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी सौरभ के घर पहुंची, क्योंकि इससे उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम होने वाला था। देश भर के न्यूज चैनल सौरभ का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। सौरभ ने बताया कि ये एग्जाम इतना टफ होता है कि उससे पहले भारत में सिर्फ कल्पना चावला ने इसे पास किया। यहाँ तक कि उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। अब पूरा देश ये जानना चाहता था कि एक छोटे से गाँव के लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सौरभ ने पूरी कहानी डिटेल में बताई कि जब वो कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एक सेमिनार में उसकी मुलाकात बंसल इंस्टीट्यूट के वीके बंसल से होती है, जो कुछ होनहार बच्चों को फ्री में मैथ की ट्यूशन दिया करते थे। सौरभ ने उनसे भी उसे भी ट्यूशन देने की जिद की और वो सौरभ का टैलेंट देखकर मान गए। फिर सौरभ उनसे ट्यूशन पढ़ने लगा और एक दिन बंसल सर ने उससे कहा कि नासा एक एग्जाम करवा रहा है आईएसडी, यानी इंटरनेशनल साइंटिस्ट डिस्कवरी एग्जाम। ये एग्जाम पहले भारत की तरह हर देश में होगा, फिर हर देश के टॉप बच्चों को एग्जाम देने के लिए लंदन जाना होगा। वहां जिसने एग्जाम पास कर लिया वो सीधा नासा में भर्ती हो जाएगा। सौरभ के पास एग्जाम के 1400 रुपए की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो बंसल सर ने कहा ये फीस मैं भर दूंगा। और फिर जब भारत में ये एग्जाम हुआ, भारत के 3 लड़के चुने गए, जिसमें सौरभ के अलावा हिमांशु और शत्रुघ्न नाम के 2 लड़कों का नाम आया। सौरभ मीडिया को बता रहा है कि बंसल सर ने सौरभ से कहा कि तीनों बच्चे के आने जाने का खर्च भारत सरकार उठाएगी,
फिर कुछ दिनों बाद वो बंसल सर और तीनों बच्चों के साथ इंडियन एयरलाइन से लंदन पहुंच जाता है, जहां उन्हें बर्मिंगम पैलेस में ठहराया गया। ये वही महल है जहां इंग्लैंड का शाही परिवार रहता है। फिर एग्जाम होता है, एग्जाम का रिजल्ट एक नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, जिस पर सबसे ऊपर नाम था सौरभ सिंह का। फिर बर्मिंगम पैलेस में ही एक टी पार्टी में सौरभ को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट पर नासा के चीफ सिन के किफ के साइन भी थे। जैसे ही सौरभ का इंटरव्यू खत्म होता है, सौरभ स्टार हो चुका होता है। सौरभ की कामयाबी की ये कहानी हर घर में मशहूर हो जाती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सौरभ की मिसाल देने लगते हैं। हर स्कूल के मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों को सौरभ की कहानी सुनाई जाती है। जिस कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सौरभ पढ़ता था, उसने नेशनल डेली में एक फुल पेज का एड छपवाया सौरभ की फोटो के साथ। पर ये तो सब सौरभ की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की बस शुरुआत थी। सौरभ के स्कूल की प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को खत लिखकर सौरभ की अचीवमेंट के बारे में बताया, जिसके जवाब में राष्ट्रपति भवन से सौरभ के नाम पर एक शाबाशी भरा खत भी आया। और ये भी तय हुआ कि जल्दी ही राष्ट्रपति जी सौरभ से मुलाकात भी करेंगे। इधर बरिया जिले के लिए सौरभ हीरो बन चुका था। आए दिन सम्मान समारोह हो रहे थे। बताया जाता है कि सौरभ के गाँव के लोगों ने उसे हाथी पर बैठ कर घुमाया। सम्मान मिल ही रहा था, अब बारी थी सम्मान के साथ पैसा कमाने की। सौरभ इतना पॉपुलर हो गया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सौरभ की तारीफ में अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। 100 विधायकों ने एक दिन की तनख्वाह उसे इनाम के तौर पर दी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा 5 लाख रुपए देंगे। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जब राष्ट्रपति भवन से भी सौरभ को बुलावा आ ही गया। ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सौरभ से मुलाकात करेंगे। फरवरी की आखिरी हफ्ते में सौरभ अपने पिता के साथ घर से दिल्ली के लिए निकला, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफर उससे बहुत भारी पड़ने वाला था। सौरभ की इस शानदार कहानी पर और उसके नासा के सर्टिफिकेट पर पूरे देश की मीडिया और प्रशासन को यकीन था, सिवाय एक पत्रकार की। उस पत्रकार को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था और उसे सौरभ की कहानी टू गुड टू बी ट्रू लग रही थी, और इसी वजह से उस पत्रकार ने नासा को एक मेल लिखकर सौरभ सिंह और आईएसडी के एग्जाम के बारे में पूछा। और दोस्तों, जो जवाब आया उसे देखकर पत्रकार का सर घूम गया। नासा ने जवाब में कहा, ना तो उसके यहाँ कोई ऐसा एग्जाम होता है और ना ही सौरभ सिंह नाम के किसी बंदे से नासा का कोई ताल्लुक है। पत्रकार के होश उड़ चुके थे। और इधर सौरभ की ट्रेन राष्ट्रपति भवन के लिए दिल्ली निकल चुकी थी। सौरभ जब ट्रेन में था तो वो पत्रकार उस समय सारे सबूत इकट्ठा करके सौरभ का कच्चा चिट्ठा लिख रहा था। ट्रेन दिल्ली पहुंचती उससे पहले उस पत्रकार ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी ने टॉप किया, सब झूठ का पुलिंदा है, सौरभ ने सबको बेवकूफ बनाया है। और वहां दिल्ली में सौरभ अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। अब राष्ट्रपति ने उससे मुलाकात की या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर सौरभ ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति जी ने उससे 18 मिनट की मुलाकात करी, उसकी पीठ थपथपाकर शाबाशी भी दी। लेकिन बाद में राष्ट्रपति भवन से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं दी तो फेल कहां से होंगे। नासा के इनकार के बारे में जब सौरभ से पूछा गया तो अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने सच में नासा का एग्जाम टॉप किया है। पर कहीं ना कहीं सौरभ की बनाई झूठ की इमारत में अब दरार आ चुकी थी। जो मीडिया उसे कल तक चूम रहा था, वही मीडिया आज उसके पीछे काटने के लिए दौड़ने लगा। अब मीडिया सौरभ से वो सवाल कर रहा था जो उसे पहले करने चाहिए थे। सौरभ से पूछा गया कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, उसने कहा कि मेरे सारे कागज बंसल सर के पास हैं। मीडिया अब बंसल सर के पास पहुंची तो उन्हें और हैरानी हुई, क्योंकि सौरभ जिस बंसल सर के साथ लंदन जाने का दावा कर रहा था, वो खुद बीमारी की वजह से व्हीलचेयर पर बैठे थे। सौरभ के दावे और पासपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर बंसल सर ने भी वही कहा जो नासा ने कहा था, कि वो तो सौरभ नाम के किसी आदमी को जानते भी नहीं, और जिसको जानते नहीं उसका पासपोर्ट उनके पास कैसे होगा। फिर ये भी पता चला कि जिस इंडियन एयरलाइन से उसने लंदन जाने की बात कही, वो उस वक्त लंदन जाती ही नहीं थी। भारत के जिस स्कूल में उसने 2 लाख बच्चों के साथ एग्जाम देने की बात कही, वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ तक कि वो जो नासा का सर्टिफिकेट लेकर घूमता था, जिस पर नासा के चीफ के तौर पर साइन सिन के किफ के थे, जबकि नासा के एक्स एडमिनिस्ट्रेटर का नाम की सही स्पेलिंग सीन ओ नीव थी, यानी वो भी झूठा था। अब सौरभ की असलियत खुल चुकी थी, पर गाँव वाले अभी भी सौरभ की सपोर्ट में थे।
जब सीएम मुलायम सिंह ने इनाम की रकम कैंसिल कर दी तो गांव के लोग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। फिर अलग अलग इंटरव्यू में सौरभ अलग अलग बातें करने लगा। कभी कहता कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने नासा में एग्जाम दिया, मैंने तो कहा था कि लंदन में एग्जाम हुआ था। कभी कहता कि मैंने बर्मिंघम पैलेस में नहीं बल्कि होटल में रुका था। इन दावों के बीच सौरभ अपना पासपोर्ट कभी नहीं दिखा सका। धीरे धीरे सबको सौरभ की असलियत समझ आने लगी। सौरभ के माँ बाप ने जितनी इज्जत 2 महीनों में कमाई थी उससे कहीं ज्यादा जिल्लत उन्हें बाकी की जिंदगी में उठानी पड़ी। जो लड़का कुछ दिन पहले बलिया जिले का गौरव था आज वही जिले के लिए कलंक बन गया। फिर सितंबर के महीने में सौरभ पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद सौरभ और उसके परिवार का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ सिस्टम पर भी उठता है कि एक छोटे से लड़के के झूठ को किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो बोलता रहा, लोग मानते रहे। सिस्टम का मजाक उड़ाने का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद आपको दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सौरभ ने ऐसा क्यों किया। टेलीग्राफ ने जब सौरभ के बारे में उसके हॉस्टल के वार्डन और गांव वालों से पूछताछ की तो किसी ने भी सौरभ के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। सब यही कह रहे थे कि शांत स्वभाव का लड़का था। फिर एक शांत स्वभाव के सीधे साधे लड़के ने अपने घर वाले, गांव वाले और पूरे देश के साथ आखिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। इसका जवाब आपको मिलेगा मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 5वें स्टेज में, जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक एरिक्सन का कहना था कि इंसान की 12 से 21 साल की बीच की उम्र ऐसी होती है जब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। कुछ बच्चे इस स्टेज में जब खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाते तो इन्हीं बच्चों के साथ शुरू होती है रोल कन्फ्यूजन की समस्या। यानी वो खुद को बाहरी तौर पर वैसा दिखाना शुरू करते हैं जिसकी तरह वो बनना तो चाहते हैं पर वैसा बनने में उतनी काबिलियत उनमें नहीं है। मिसाल के लिए विराट कोहली बनना सालों की मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो लोग अक्सर विराट के हेयर स्टाइल रख लेंगे, उसके जैसा टैटू गुदवा लेंगे। कुछ बच्चे रोल कंफ्यूजन में कर्ज तो कुछ फ्रॉड भी करने लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही एक लड़का नकली IPS बना घूम रहा था। कहां ये वर्दी कहां तुमको मिले? खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? उसने अपनी मर्जी से नकली वर्दी पहनी क्योंकि उसे IPS की पावर और रुतबे को जीना था। असली IPS बनने के लिए सालों की तपस्या लगती है और नकली IPS बनने के लिए सिर्फ वर्दी लगती है। ऐसे ही साल 2017 में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के लड़के हर्षित शर्मा ने सबसे कहा कि उसे गूगल में 12 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में गूगल ने इस दावे को इनकार कर दिया। केरल के पी विजय कुमार ने 2012 में द हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उसे नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया ये पता करने के लिए कि ब्रह्मांड में एलियन है कि नहीं। विजय कुमार का ये फ्रॉड 2 साल तक चला और 2014 में मालूम हुआ कि ये सब उसने बड़ा भयंकर झूठ रचा था। और ऐसे बच्चों की लिस्ट बहुत लंबी है जो रोल कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। हकीकत तो ये है कि आजकल हर युवा जाने अनजाने में इसी समस्या से जूझ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे बचा कैसे जाए। तो बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले मेरे दोस्त, अपनी ताकत पहचानो। किसी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान के कपड़े, उसकी हेयर स्टाइल कॉपी करने के बजाय ये देखिए कि वो कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, और उतनी ही मेहनत आपको भी करनी होगी वैसा बनने के लिए। दूसरा कोई रास्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है। दूसरा ये कि एक चीज को टिक कर करिए। जवानी की उम्र कंफ्यूजन की उम्र होती है, ये भटकाव की उम्र है, लेकिन ये मान कर चलिए कि सफल होने के लिए समय लगता है, बेपनाह समय लगता है। तीसरा, अपने गोल को सेट करिए और उन्हें पूरा करने में लग जाइए। जवानी की उम्र में ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती, इंसान हर चीज पाना चाहता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप ये तय करें कि आपके लाइफ का गोल क्या है। अगर IPS बनना है तो उसके लिए मेहनत करिए। सिंगर बनने का दिल है तो रियाज करिए। अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस सीखना शुरू करिए। याद रखिए, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच अनंत काल तक चलता है। सच बोलिए, मेहनत करिए, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।